अभी फंस गए हैं यहाँ पे। आई गॉट टू सी दिस। यार इसका आई गेस जो इंजन में डायनामो होता है ना, उसमें शायद से कुछ प्रॉब्लम है। वो कॉइल जल गया होगा तो वो चार्ज नहीं कर पा रहा है बैटरी। अभी फंस गए हैं यहाँ पे, एनएच पे हैं, बट ठीक है, अच्छा है, सो दैट वी कैन आस्क फॉर हेल्प। एक भैया है इधर, सोच रहा हूँ इनसे हेल्प मांगो, थोड़ा धक्का दे देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। यो, सो हम कलासा हैंगिंग ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नींद और थकान बहुत ज़्यादा हो रहा है। 3 बजे से मैं राइड कर रहा हूँ एंड अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट अराउंड 11। मैं पहुँच गया हूँ चिकमंगलूर एंड यहाँ से मैं कलासा हैंगिंग ब्रिज जा रहा हूँ। सो कलासा हैंगिंग ब्रिज काफ़ी फेमस है, मैंने देखा था, बहुत लोग रेकमेंड कर रहे थे कि इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। तो या आई एम गोइंग देयर। बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड धूप भी काफ़ी है, जैकेट भी पहना नहीं जा रहा। मैं सोच रहा था बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होगी, मैं रेनकोट वगैरह भी लेके आया था। देखते हैं, शाम तक होती है तो अच्छी बात है, मज़ा आएगा। यो, सो मैं पहुंच चुका हूँ कलासा हैंगिंग ब्रिज। आफ्टर दिस लॉन्ग राइड ऑफ कितना था, 350 किलोमीटर, आई गॉट टू सी दिस। फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा नहीं है यार। क्या बोला तूने? ऑनेस्ट ठीक है, बट इतना दूर से आया हो तो अंदर जाकर भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। बहुत कम लोग हैं। ओह, ये चीज़ अच्छा लग रहा है। अंदर जाके देखते हैं, मे बी अच्छा लगे। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। बट यार बैंगलोर से बस इसी चीज़ को ही देखने आना इज़ नॉट वर्थी, टू बी ऑनेस्ट।
बहुत दूर है यार, बैंगलोर से बहुत ही दूर है। एंड इतना ट्रैवल करने के बाद जो देखते हो ना, इट्स एवरेज। बट अगर तुम चिकमंगलूर आ रहे हो, ठीक है, तो यू कैन कम हियर डेफिनेटली, एक बार ही आ सकते हो। ये पूरा लोहे का बना हुआ है, ये जो एलिमेंट, ये जो पार्ट्स लगे हैं ना ब्रिज में, दीज आर मेड ऑफ प्योर आयरन। पूरा चीज़ लोहे का ही बना हुआ है। हिला के देखते हैं, हिल रहा है क्या? हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। ये तो वैसे हाफ वे था, इसके एंड में जाके देखते हैं क्या है। ओह, इट इज फुल ऑफ कॉफी प्लांटेशन। सो यार, हो गया, देख लिया हमने कलासा हैंगिंग ब्रिज। तो अभी टाइम हो रहा है निकलने का, यहाँ से निकल के कॉटेज जाना है। कल सुबह देयर इज़ अ वाटरफॉल, तो वहाँ जाने का प्लान है, फिर बैंगलोर। अब सीधा कॉटेज में मिलते हैं। ये ऐसा है, यहाँ से सीढ़ी, यहाँ से इसका एंट्री, एंड ऐसे उधर वहाँ पे वो कॉफ़ी प्लांटेशन, राइट, एंड यहाँ से इधर आने का जगह है, रास्ता है। चलो यार निकलते हैं। गजब का ऑफरोडिंग। ऊपर जाना था वो गंदा वाला जो रास्ता है ना, दैट वन पसंद होगा, पसंद होगा। जा पाएंगे कि नहीं उधर? जब मन में हो विश्वास तब हर डर है बकवास। वो वाला रास्ता काफी डरावना है यार। ओ भाई क्या ये यहाँ सिरू है? ये है वो कॉटेज। चलो पहुंच गए।